आप और हम जुड़ चुके हैं अब स्पेशल क्लास में जो कि जीए की है। सर आज डेट है हमारे पास 24th of March, आज डेट है हमारे पास 24th of March 2020 को आपकी जीए की क्लास में जो अब हम और आप जुड़ रहे हैं। सर इस क्लास का जो टॉपिक है वो आई मस्ट से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस क्लास के टॉपिक का जो नाम है वो है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कल यानी कि 23 तारीख को, जो कल बीत चुका है 23 मार्च 2020 को मैंने पढ़ाया था इन्फ्लेशन। आप जाके चेक कर लीजिएगा स्पेशल क्लास जीए की, आपको देखेगा मैंने आपको पढ़ाया था इन्फ्लेशन। तो हमने इसमें पढ़ा था इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, कैसे उसे रोका जाए, ये आज हम पढ़ेंगे। यानी इन्फ्लेशन का जो कॉन्टिन्यूएशन है वहीं पर मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को। जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, जब इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिससे हम इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। तो कल पढ़ा था हमने इन्फ्लेशन और आज हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि अब हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा इन दोनों चैप्टर्स में। जल्दी से आइए शुरू करते हैं। तो सर मॉनेटरी पॉलिसी सर ये जो अपना कंसेप्ट है जरा समझते हैं बहुत आराम से डिटेलिंग में कि सर मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी जो कि आरबीआई बना रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी जो कि आरबीआई बना रहा है, एक बात। दूसरी बात सर ये पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, ये पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है सो एज टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी। यानी कि सो एज टू आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। सो एज टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी, तो सर दो बातें याद रखनी है, एक कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है तो आरबीआई बनाता है, और क्यों बनाता है सो एज टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी। दोनों बातें आपको क्लियर हो रही है। सर मॉनेटरी ही पॉलिसी के साथ सर एक और पॉलिसी आपकी आज इसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति हो गई मॉनेटरी पॉलिसी और वित्तीय नीति हो गई फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को बनाता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। और सर यहाँ पर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर का एक ब्यौरा देती है, एक हमको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताती है कि सर सरकार कितना कहाँ से कमा रही है और सरकार कितना कहाँ पे खर्च कर रही है, उसके रिगार्डिंग जो सरकार अपनी एक्सपेंडिंग और अपने इनकम को लेकर, हम ऐसा कह सकते हैं कि अपनी एक्सपेंडिंग और अपने इनकम को लेकर सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो हो गई फिस्कल पॉलिसी, और ये हो गई मॉनेटरी पॉलिसी जिससे आरबीआई बनाता है मैन मनी के फ्लो को मैनेज करने के लिए। ये दोनों ही पॉलिसियां हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें इन्फ्लेशन को रोकना होता है, इन्फ्लेशन को यू कैन से रिड्यूस करना है, कर्टेल करना है, या फिर इसको इंक्रीज करना है। तो इन्फ्लेशन को बड़ा एक्सलरेट करना है या रिड्यूस करना है, इन दोनों का इस्तेमाल होगा। यहां पर आरबीआई, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर फ्लो ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम फ्लो ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सर मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी के दो हिस्से हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ दो हिस्से हो गए, एक हो गया डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और एक हो चुका है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। सो आपका जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है सर उसके अंदर तीन बातें यहां पर आ रही हैं, देखना बहुत ध्यान से है। एक आ रहा है CRR, एक आ रहा है SLR और एक आ रहा है आपका रीफाइनेंस। तो सर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन बातें आपकी आ रही हैं, CRR, SLR, रीफाइनेंस। इनडायरेक्ट के अंदर सर कौन कौन सी बातें आ रही हैं, सर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF। MSF क्या होता है, MSF का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। MSF का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसको बोलते हैं एमएसएफ रेट। अगला है बैंक रेट, ओएमओ दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, और आखिरी है एमएसएस दैट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एक एक करके बात करते हैं जल्दी से। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की। ये जब कभी शॉर्ट टर्म के लेवल पर हमें आपका यू कैन से महंगाई को रोकना है या महंगाई क्रिएट करनी है, यानी कि अवधि छोटी है तो हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब अवधि बड़ी है तो फिर हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ये कंपलसरी हैं, यानी इनमें ऑप्शन नहीं होता। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी, इनमें ऑप्शन नहीं है। और सर ये जो है ये आपके सर ऑप्शनल होते हैं, यानी अगर बैंक इनका इस्तेमाल करेगा या आपका जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उनका इस्तेमाल करेंगी तभी महंगाई घटेगी या बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना CRR को लेकर। CRR क्या है? तो CRR का मतलब आपका यहाँ पर निकल कर आ गया कैश रिजर्व रेशियो। समझेंगे बहुत आराम से कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं CRR की, तो CRR का मतलब क्या है? बैंक की डेली की इनकम का वो हिस्सा जो बैंक जमा कर रहा है RBI के पास। बैंक की डेली की इनकम का वो हिस्सा जो बैंक जमा कर रहा है RBI के पास कैश में। तो बैंक की डेली की इनकम का वो हिस्सा जो बैंक जमा कर रहा है RBI के पास कैश में, वो हो गया CRR। अब इसको मैं अगर कहूं अच्छे शब्दों में या फिर एक टेक्निकल इकोनॉमिकल टर्म्स में बोलूं तो क्या हो गया, द शेयर ऑफ NDTL एट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद RBI इन कैश। बात वही आई कि बैंक की डेली की इनकम का हिस्सा जो जमा करना है RBI के पास कैश में, सर ये कंटिजेंट आपका जो दिक्कतें आ सकती हैं, यानी फ्यूचर में जो अनफोर्सीन लॉसेस हो सकते हैं बैंक को, दिक्कतें आ सकती हैं उस समय, यानी कि मुश्किल समय के लिए एक रिजर्व बनाना होता है RBI के बाद, उसको कहा गया CRR। अब यहाँ पर इन्होंने टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करा है डेफिनेशन में, वो होता है NDTL। आइए थोड़ा समझते हैं NDTL भी क्या है। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। NDTL का मतलब क्या है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, उसका फॉर्मूला भी कुछ ना कुछ होगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है कासा प्लस राफा माइनस इंटर बैंक बोरोइंग। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, आपका यू कैन से NDTL का। तो NDTL का मतलब क्या है? NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। जितना पैसा बैंक में आ रहा है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के माध्यम से या फिर RD और FD के माध्यम से, माइनस इंटर बैंक जो आपस में कोई बोरोइंग बैंक ने कर रखी है, माइनस इंटर बैंक बोरोइंग दैट इज NDTL। इसी को हम आसान भाषा में बोल सकते हैं डेली की इनकम। तो बैंक की डेली की इनकम का वो हिस्सा जो बैंक जमा करेगा RBI के पास कैश में, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें कोई मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट है क्या? तो नहीं सर, मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। सबसे बड़ी चीज क्या यहाँ पर निकल कर आती है, सारे शेड्यूल्ड बैंक्स को मेंटेन करना है। नो मैटर आप कमर्शियल हैं, नो मैटर आप कहते हैं RRB हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका जो एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्ट की अगर बात करें तो एक्सेप्ट यहाँ पर कॉपरेटिव बैंक को अगर आप छोड़ देंगे तो कॉपरेटिव बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकों को मेंटेन करना है क्या, अपना यू कैन से CRR। तो CRR को एकदम क्लियर हो गया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम रेट नहीं होता है। अभी क्या रेट है? तो अभी आपका चल रहा है 4%। तो अभी आपका जो रेट चल रहा है वैट इज 4%। तो कैसा एज सच कोई मिनिमम मैक्सिमम रेट नहीं है, सरकार घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है, और अभी चल रहा है 4%। डेली की इनकम का वो हिस्सा तो बैंक जमा कर रहा है RBI के पास नगद में, उसको मैंने कहा CRR। आगे बात करते हैं और देखते हैं SLR क्या है। SLR का मतलब है अब वही चीज की, एक पैसा जमा करा गया RBI के पास बुरे वक्त के लिए, तो एक पैसा जमा कर रहा हूं मैं अपने पास, थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूं अपने पास बुरे वक्त के लिए। जब जमा करता हूं अपने पास तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि डेली की इनकम का
डेली की इनकम का वो हिस्सा, डेली की इनकम का वो हिस्सा जो बैंक जमा करेगा अपने ही पास, दैट इज कहते हैं इटसेल्फ, जो बैंक जमा करेगा अपने ही पास, यानी कहा गया इटसेल्फ, या तो गोल्ड में या फिर ट्रेजरी बिल में से बोलते हो आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या बोल सकते हो यहां पर इसे कैश में। तो अल्टीमेटली कैश की जो प्रोबेबिलिटी है, जो कैश का एक तरीके का प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, वो तो कम होती है। जनरली गोल्ड में, ट्रेजरी बिल में और कैश में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यानी कि बैंक की कमाई का वो हिस्सा जो बैंक अपने ही पास जमा कर लेता है, उसे कहा गया SLR। वो गोल्ड में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, पर कैश की चांसेस हम कम रखते हैं, बिकॉज अगर अपने पास रखेगा तो लोन बांट देगा, और जब मुश्किल समय आएगा तो बोलेगा पैसा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी SLR के सब क्या है, SLR में देखो भाई इंटरेस्ट मिल सकता है, बिकॉज गोल्ड में जमा करोगे, गोल्ड में सर मार्केट ऊपर जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। सेकंड चीज क्या निकल कर आ रही है सर, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट होती है सर, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 40%। 40 के ऊपर आप इसको लेके नहीं जा सकते, यानी कि 40 के ऊपर ये जाएगा ही नहीं, 40 इज द मैक्सिमम लिमिट। एक बात ये भी निकल कर आ रही है। अगली बात क्या निकल कर आती है, SLR सबको मेंटेन करना है, ऑल बैंक प्लस NBFC, यानी वहां पर जैसे कोऑपरेटिव बैंक छोड़ दिए थे, तो क्या यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक छोड़ेंगे, तो नहीं, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक भी ले लेंगे, सारे बैंक आएंगे बस NBFC आएगा। यानी अगर हम देखें जल्दी से, तो CRR क्या था, तो CRR का मतलब था कैश रिजर्व रेशियो, डेली की इनकम का वो हिस्सा जो RBI के पास जमा करना था कैश में, ठीक। SLR क्या है, डेली की इनकम का वो हिस्सा जो अपने पास जमा करना है, किसमें, अपने पास जमा करना है आपका ट्रेजरी बिल में, गोल्ड में, कैश में, इंटरेस्ट मिल सकता है, मैक्सिमम 40% है, सभी बैंकों को करना है और NBFC को भी करना है। जिनको नहीं पता NBFC क्या है, ऐसा आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम गोल्ड लोन, ये क्या है, ये आर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कैसी कंपनी, जो आपको लोन तो दे सकती है, पर आपके यहाँ वहां पर कासा और रापा नहीं खुलवा सकती, करेंट सेविंग RD FD अकाउंट नहीं खुलवा सकती, ये आपका है हो गया यहाँ पर यू कैन से NBFC। इनको भी गवर्न कौन करता है, RBI करता है। आज का जो मेरा कैल का सेशन था, करंट अफेयर्स लाइव का सेशन था, ना तो पूछा भी था कि सर को बताया था कि NBFC का रेगुलेटरी बॉडी सेबी नहीं है, आपका RBI है। ये हम आज की तारीख में 23rd of March को हम डिस्कस कर चुके थे, राइट। इससे आगे बढ़ते हो, समझते हैं सर तीसरा वाला क्या था। तीसरा वाला था मेरा सर रीफाइनेंस। अब रीफाइनेंस का मतलब क्या है, री मतलब दोबारा से, दैट इज सेकेंड टाइम, री मतलब दोबारा से, फाइनेंस मतलब पैसा। तो सर दोबारा से पैसा, यानी कि सेकेंड टाइम जब हम फाइनेंस करने की बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम खोल देते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है सर, ये NABARD के द्वारा शुरू करा हुआ कंसेप्ट है, ये स्पेसिफिक सेक्टर जैसे लोन, ऐसा यू कैन से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में होता है। अब सर रीफाइनेंस या CRR या SLR, सर इनसे महंगाई कैसे रुकेगी, अब जो समझना बहुत ध्यान से सर, यहाँ पर मेरी जो महंगाई है वो है बढ़ी हुई, और मुझे सर महंगाई नॉर्मली क्या करना होता है, उसे कम करना है। सर महंगाई बढ़ी हुई है, मुझे उसे घटाना है, महंगाई बढ़ी है मुझे उसे घटाना, तो कैसे घटाऊंगा, सिंपल है, बैंकों के पास, अब इस बात का बस ध्यान रखो कि बैंकों के पास कैश कम छोड़ो। तो कैसे छोड़ोगे कम कैश, सर CRR और SLR बढ़ा दो। पूछो देखो, अगर CRR SLR बढ़ गया, सर CRR अभी कितना है, तो CRR है अभी 4%, SLR कितना है, SLR है अभी 18.5 के आसपास, यू कैन से 18.25 है, यू कैन से 18.25। सर अभी देखा जाए तो सर ये निकल कर आपका आ रहा है 18 + 4 = 22, तो 22.25% आपका क्या हो गया, 22.25% आपका हो गया यहाँ पर CRR + SLR मिलाकर। मतलब मोटा माटी अगर आप ₹100 कमा रहे हो आज के टाइम पर, तो सर ₹23 क्या हो गया, ₹23 आपका यहाँ पर हो गया CRR SLR, तो यानी 77, तो 77 की अगर हम बात करूँ यहाँ पर, तो 77 क्या हो जाएगा, 77 आपका रिमेनिंग आपका अमाउंट हो जाएगा, 77 आपका रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं इसको 70 कर दूँ, मतलब मुझे 30 करना पड़ेगा इसे, तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा ना बांटने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा।
तो बैंकों के पास मुझे अगर पैसा कम छोड़ना है, इसको यहाँ देखो अच्छा, तो 100 उसको मैं कर दूँ 30, तो कितना बचेगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा यानी कि बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, और अगर बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो आपका सीधा सा लॉजिक यहाँ पर है, बैंकों के पास कम बचेगा तो कम बांटेंगे, कम बचेगा तो कम बांटेंगे, और कम बांटेंगे तो कम महंगाई होगी, कम बचेगा तो कम बांटेंगे, कम बांटेंगे तो कम महंगाई होगी। सिंपल सा कंसेप्ट आप समझिएगा कि इन्फ्लेशन ज्यादा थी मुझे उसे कम करना था, इन्फ्लेशन ज्यादा थी मुझे उसे कम करना था, CRR SLR मैंने बढ़ा दिया, तो सर ये 23 था पहले अप्रोक्सीमेटली, अब सर 30 हो गया, तो मेरे पास पैसा कम बचेगा, मेरे पास पैसा कम बचेगा, मैं लेकिन बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो कम बांटेगा, कम बांटेगा तो कम महंगाई होगी, यानी जाकर महंगाई ज्यादा है और उसे कम करना है तो CRR SLR क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी सर रीफाइनेंस कम कर देंगे, सर आपका रीफाइनेंस कम कर देंगे, मतलब क्या हो गया कि सर रीफाइनेंस कम कर देंगे, मतलब क्या हो गया कि सर रीफाइनेंस की अगर बात करते हैं तो रीफाइनेंस घटा दिया जाएगा, रिफाइनेंस नहीं देंगे, क्योंकि सर रीफाइनेंस अगर आप लोगों को ज्यादा करते हैं, दोबारा से पैसा ज्यादा देते हैं, या फिर उनके पैसे का रीशेड्यूलिंग कर देते हैं, तो सर उससे आपका उनकी डिमांड क्रिएट होती है, हमें डिमांड को तो कम करना है, तभी तो आपका हम यहाँ पर आपका कहते हैं आगे काम कर पाएंगे, तो हमें डिमांड को कम करना है, तभी तो आपका इन्फ्लेशन कम होगा, तो इन्फ्लेशन ज्यादा है उसे कम करना है, तो CRR SLR बढ़ा दो और रीफाइनेंस घटा दो। तो ये जो है ना, ये मुद्दे की बात है सर, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, ये क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि सर इन्फ्लेशन ज्यादा है इकोनॉमी में, उसे करना है कम, तो CRR SLR बढ़ाएं या घटाएं, सर दोनों को बढ़ाएं, और रीफाइनेंस घटाएं या बढ़ाएं, तो रीफाइनेंस को घटाएं। तो ये थे डायरेक्ट, आपका बर्तन जल्दी से आ गए, तो हमको डायरेक्ट वाले इंस्ट्रूमेंट सारे क्लियर हो गए हैं। नाउ कम टू इनडायरेक्ट, आज हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब आपका यहाँ पर होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं LAF। जब आपका हम बात करते हैं LAF, तो LAF के अंदर दो चीजें आ रही होती हैं, एक आता है रेपो रेट और एक आता है रिवर्स रेपो रेट, एक आता है रेपो रेट, एक आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, मुझे बहुत ध्यान से, जब बात करता हूँ रेपो रेट, तो सर रेपो रेट की अगर बात करते हैं, तो जिस रेट पर आपका RBI, जिस रेट पर RBI बैंकों को लोन दे रहा है, जिस रेट पर RBI बैंकों को शॉर्ट टर्म, जिस रेट पर RBI बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, उसको हम कह देते हैं रेपो रेट। तो जिस रेट पर RBI बैंकों को शॉर्ट टर्म के लोन देता है, अप्रोक्सीमेटली अप टू 90 डेज से कहा जाता है, अप टू 90 डेज, उसको हम कह देते हैं क्या, आपका रेपो रेट। अब ऑन द अदर हैंड सर रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, क्या जिस रेट पर बैंक RBI को लोन देंगे, कुछ किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जिस रेट पर आपका बैंक RBI को लोन देंगे, बट सोच के देखो ना यार, बैंक RBI को लोन क्यों देगा, थोड़ा शब्दों को फेर कर देते हैं, जिस रेट पर बैंक RBI के पास अपना एक्सेस मनी, जिस रेट पर RBI के पास बैंक अपना एक्सेस मनी डिपॉजिट करते हैं सो एज टू गेन सम इंटरेस्ट, उसको मैंने कहा क्या, उसको मैंने कहा आपका रिवर्स रेपो रेट, उसको मैंने आपसे कहा रिवर्स रेपो रेट। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया कि सर रेपो रेट क्या है, वो रेट जिस रेट पर RBI बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर बैंक RBI को अपना एक्सेस मनी देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, सो एज टू गेन सम मनी, तो वो आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट। या फिर यूं कह सकते हैं, जिस रेट पर, देखो रेपो रेट को हम कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट भी, रेपो रेट को हम कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट भी, तो जिस रेट पर आपका RBI ने हमको अपने एग्रीमेंट में सेल करा था, राइट, उसका वो हो गया रीपर्चेज रेट, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब सर वो दोबारा से हमसे क्या कर रहा है उसको, तो दोबारा से हमको उसको हमसे ले ले रहा है, उसको वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो जिस रेट पर RBI ने हमको लोन दिया था वो हो गया रेपो रेट, और जिस रेट पर उसने हमसे वापस ले लिया, दैट इज वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। याद रखने वाली बात क्या है कि रेपो रेट अभी चल रहा है 5.15%, और सर रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 4.90%। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 0.0025 बेसिक पॉइंट्स BPS। तो सर समझने वाली बात यहाँ पर जो है वो ये कि सर इसी को बोला जाता है LAF कॉरिडोर, इसको हम लोग बोल देते हैं LAF कॉरिडोर,
यानी कि दोनों के बीच के अंतर को कहा गया LAF कॉरिडोर, यानी कि 4.90 है रिवर्स रेपो रेट, 5.15 है रेपो रेट, और दोनों का अंतर है आपका, देखा जाए ध्यान से तो 0.25 बेसिक पॉइंट, दैट इज ये हो गया LAF कॉरिडोर। तो अब जरा समझ लेते हैं कि सर ये ऐसा क्यों है कि सर रेपो रेट ज्यादा है और रिवर्स रेपो रेट कम है। याद रखिएगा इस छोटी सी बात को हमेशा कि सर रेपो रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। ये स्लाइड पता नहीं आगे क्यों भाग रही है, वो चाहते ही है सर आप सब कुछ इकट्ठा एक बार में पढ़ना है ना। तो रेपो रेट आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट। तो सिंपल है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जिस रेट पर आरबीआई को आप इंटरेस्ट दोगे। आरबीआई ने लोन दिया है बैंक को, आरबीआई ने लोन दिया है, अब बैंक भी तो उसे देगा, बैंक क्या देगा? बैंक देगा इंटरेस्ट। तो आरबीआई को लोन दिया है बैंक ने, बैंक देगा इंटरेस्ट, वो हो गया रेपो रेट, राइट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया कि आरबीआई को पैसा दिया है बैंक ने, आरबीआई को पैसा दिया है बैंक ने, अब सर आरबीआई यहाँ इंटरेस्ट देगा तो सर सीधी सी बात है आरबीआई क्या चाहेगा? आरबीआई आप क्या चाहोगे कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़े कि ज्यादा इंटरेस्ट आए? अरे सर ज्यादा इंटरेस्ट आए, ज्यादा देना क्यों पड़े? मतलब सर आरबीआई ये देखता है कि सर हर 100 रुपए पर मेरे को 5 रुपए 15 पैसे मिलेंगे और हर 100 रुपए पर मुझे 4 रुपए 90 पैसे देने पड़ेंगे, तो सर ये जो डिफरेंस है ये आरबीआई अपनी अर्निंग के रूप में रखता है। तो आई थिंक ये एकदम क्लियर हो गया कि सर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि रेपो रेट पे आरबीआई को ब्याज मिलता है और रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। एकदम क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, समझते हैं अपना अगला कंसेप्ट। सर ये क्या है? ये है एमएसएस, सॉरी ये है अपना एमएसएफ, भी आगे एमएसएस भी आएगा। एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, और ये कब यूज होता है? जब आपका होता है जब आपका इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप, ये कीवर्ड है, यानी जब कभी सोच से देखो, जब कभी आपको जरूरत है पैसे की, सबसे पहले किससे मांगोगे? भाई दोस्त से मांगोगे कि भाई मेरे को पैसे जरूरत है, पैसे दे दो। जब दोस्त ने कहा यार मेरे पास भी नहीं है, और आपने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है, अब किससे मांगोगे? अब मांगोगे घर वालों से, पापा से। अब पापा जो होते हैं ना वो सवाल बहुत पूछते हैं कि भाई क्यों चाहिए, अच्छा बेटा क्या करोगे, अच्छा ये ना करके कुछ और कर लो, अच्छा इससे क्या फायदा होगा। तो वहां पर जब सवालों की झड़ी लग जाती है तो हम कतराते हैं पैसा मांगने से। तो सर वही हाल बैंकों का भी है कि आपसी बैंक को जब वो लोन ले लेते हैं उसको बोलते हैं इंटर बैंक। तो सर इंटर बैंक पैसा नहीं मिला तो आप जाते हैं आरबीआई के पास, यानी उनके सो कॉल बड़े भैया के पास। अब बड़े भैया पूछते हैं 4 सवाल, और सर वो तरीका जिससे वो लोन देते हैं ओवरनाइट के लिए, जिस तरीके से बैंकों को लोन दे रहा है आरबीआई ओवरनाइट के लिए, यानी कि वन नाइट के लिए, यानी कि वन नाइट का जो लोन मिल रहा है उसको हमने कहा एमएसएफ रेट। तो जिस रेट पर बैंकों को आरबीआई लोन दे देता है, जिस रेट पर बैंकों को आरबीआई लोन दे देता है आपका ओवरनाइट के लिए, यानी एक रात के लिए बैंकों को आरबीआई लोन दे रहा है, तो उस रेट को हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर एमएसएफ रेट, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये अभी चल रहा है 5.40%। तो ये अभी नया कंसेप्ट है, ये 2004 में ही आया था, बहुत ज़्यादा टाइम इसको अवेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एनडीटीएल का मैक्सिमम NDTL का मैक्सिमम 2% सॉरी यहाँ पर NDTL का मैक्सिमम 2% ही मिल सकता है, यहाँ पर NDTL का मैक्सिमम 2% मिल सकता है। ये हो गया MSF रेट। चलिए इससे आगे बात करते हैं, समझते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट भी वही चीज है कि जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, और सर वो रे आपका वो कम से कम 1 साल के लिए दे रहा हो, यानी कि 364 डेज के लिए दे रहा हो। तो जिस रेट पर बैंकों को आरबीआई लोन दे रहा है 1 साल के लिए, वो हो गया आपका बैंक रेट। यानी अगर मैं समरी आई इसको मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको समरी करके बता दूं इसकी जल्दी से, तो जिस रेट पर आरबीआई
आपका लोन देता है आपका ओवरनाइट के लिए, ओवर जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है ओवरनाइट के लिए, वो हो गया एमएसएफ रेट। जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है आपका, यू कैन से शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 90 डेज, वो आपका हो जाते हैं यू कैन से आपका रेपो रेट। वो आपके हो गए रेपो रेट, वो हो गए आपके रेपो रेट। ठीक है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है 1 साल के लिए, वो आपका हो गए बैंक रेट, वो आपका हो गए बैंक रेट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ तो जिस रेट पर आरबीआई के पास बैंक अपना पैसा रखवा देते हैं, उससे मैं आपको बोल सकता हूँ, जिस रेट पर आरबीआई के पास बैंक अपना पैसा रखवा देते हैं उससे बोला जा सकता है आपका क्या, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिवर्स रेपो रेट RRR। तो जिस रेट पर आरबीआई के पास पैसा बैंक ने रखवाया वो रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई ने 1 दिन के लिए लोन लिया वो एमएसएफ, अप टू 90 डेज के लिए दिया रेपो रेट, 1 साल के लिए दिया वो बैंक रेट। इतनी बात कोई समझ में आ गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और है, सर डेफिनेशन में क्या लिखा है, चाहिए ज्यादा पढ़ते हैं डेफिनेशन बहुत ध्यान से। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग और रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल रेटेड सिक्योरिटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर। बहुत सिंपल है, समझिए, बैंक रेट का मतलब दो मतलब होते हैं। एक मतलब आपको मैंने बता दिया, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को 1 साल के लिए लोन दे रहा है। दूसरा मतलब इन्होंने आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब कभी भी आपका डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज को आप बैंक जाकर रीडिस्काउंट करवाता है, जब कभी भी डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक जाकर रीडिस्काउंट करवा लेता है तो उसको हम बोल देते हैं, उसको भी हम बेसिकली बोल देते हैं बैंक रेट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया। जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जरा यहाँ पे देखिएगा माय डियर एस्पिरेंट्स, कि सर मिस्टर ए ए ने बी को माल बेचा 1,000 रुपये का। मैं आपको बता रहा हूँ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ए ने बी को माल बेचा 1,000 रुपये का, ए ने बी को माल बेचा 1,000 रुपये का, बी ने का पैसा तो है ही नहीं, बी ने का पैसा तो है नहीं, अब बताओ माल कैसे दोगे। तो ए ने इनको ऑर्डर करा, ए ने इनको ऑर्डर करा कि तुमको मैं ऑर्डर देता हूँ कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है, तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे पैसा वापस करोगे इस तारीख को इस इंटरेस्ट के साथ, बी ने कटिंग करेंगे। तो सर यहाँ पर 30 दिन का टाइम दे दिया गया बी को और बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन कर दिया। ठीक है, अब सर आफ्टर 25 डेज क्या हुआ, 25 दिन के बाद यहाँ पर निकल कर आता है कि अब पैसा चाहिए ए को, अब बी के पास पैसा तो है ही नहीं, बी ने का पैसा तो है नहीं, अभी तो 5 दिन बाकी है। तो अब चला गया ए कहाँ पर, अब ये ए चला गया बैंक के पास, अब ए चला गया बैंक के पास और बैंक ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, और बैंक ने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ले लिया और इसके बदले दे दिए 950 रुपये। बैंक ने ये लेकर दे दिए 950 रुपये, नहीं 50 रुपये जो बैंक ने काट लिए, ये होता है डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट। समझ में आ रही बात। तो सर डिस्काउंट का मतलब क्या है, वो पैसा जो बैंक ने दिया ही नहीं बैंक ने काट लिया, बैंक ने कहा तुम उनसे पैसा लेने आए हो ना थोड़ा तो हम भी कमाएंगे, तो जो पैसे ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया क्योंकि बी ने पैसा नहीं दिया तो उसने 23 दिन का टाइम दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। 25 दिन के बाद जरूरत पड़ी ए को, तो ए चला गया बैंक के पास और बैंक ने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को ले लिया और 950 रुपये दिए, वो हो गया डिस्काउंट। अब अगर बैंक को जरूरत पड़ी ड्यू डेट से पहले तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, तो एक बार डिस्काउंट हो चुका था, अब जिस रेट पर आरबीआई करेगा डिस्काउंट उसको बोलते हैं री डिस्काउंट, जिस रेट पर आरबीआई करेगा डिस्काउंट उसको बोलेंगे री डिस्काउंट, और इसी को भी हम कहते हैं या इसको भी हम कहते हैं आपका बैंक रेट। तो अब मेरे ख्याल से बैंक रेट की डेफिनेशन पूरी क्लियर हो चुकी होगी। तो सर बैंक रेट में दो बातें निकल कर आती हैं, एक कि सर जिस रेट पर बैंक आरबीआई बैंकों को 1 साल के लिए लोन दे रहा है, एक तो वो आपका हो गया कहते हैं आप पर बैंक रेट, या फिर जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट कर रहा होता है
उसको भी जिस रेट पर आपका आरबीआई बैंकों के आपका बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट कर रहा है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बैंक रेट। यहां तक हमको बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो सर बैंक रेट हमको क्लियर है, हमको एमएसएफ भी क्लियर है, हमको रेपो रेट भी क्लियर है और हमको यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट भी क्लियर है। तो इससे आगे बात करते हैं एमएसएस और ओएमओ की तरफ, पर उसके पहले, पर उसकी पहले तरह समझ तो लें कि सर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, पर वही बात क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं सर इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो करना क्या है। देखिए बहुत आराम से, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है और उसे कम करना है, इन्फ्लेशन ज्यादा है और उसे कम करना है तो करेंगे क्या, बैंकों के पास पैसा बस छोड़िए, बैंकों के पास पैसा बचेगा तो सर वो महंगाई क्रिएट करेंगे। बैंकों के पैसा नहीं छोड़ना तो करना क्या है, सिंपल, जिस जिस रेट पर बैंकों को पैसा मिलता है, जिस रेट पर बैंकों को पैसा दे रहा है आरबीआई, वो सारे रेट महंगे कर दो, वो सारे रेट महंगे कर दो, यानी कि एमएसएफ का रेट बढ़ा दो, एमएसएफ का रेट बढ़ा दो, ठीक है बढ़ा दिया सर, रेपो रेट का रेट बढ़ा दो, सर रेपो रेट का रेट बढ़ गया, सर यहीं पर आपका बैंक रेट का रेट बढ़ा दो, बैंक रेट का भी रेट बढ़ गया, तो सर एमएसएफ का रेट बढ़ गया, रेपो रेट का रेट बढ़ गया, बैंक रेट का रेट बढ़ गया, बात क्लियर हो रही है। ऑन द अदर हैंड जिस जितना पैसा बैंक आरबी बैंक को मिलता आरबीआई के माध्यम से इंटरेस्ट के तौर पर, वो भी तो बैंक की अर्निंग है, सोच के देखो, जो पैसा बैंक को मिलता आरबीआई के माध्यम से आपका इंटरेस्ट के तौर पर, वो भी तो आपका बैंक की अर्निंग है, तो सर वो भी आपका कम कर दो तो सर रिवर्स रेपो रेट घटा दो, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटा दो, तो रिवर्स रेपो रेट घटा दो, एमएसएफ रेपो रेट और बैंक रेट ये बढ़ा दो, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है उसे कम करना है। अभी हम पीछे क्या पढ़कर आ रहे हैं, अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो और कम करना हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो और कम करना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीआरआर, सीआरआर एसएलआर, सीआरआर एसएलआर बढ़ा देंगे, ऑन द अदर हैंड रीफाइनेंस को घटा देंगे, ऑन द अदर हैंड रीफाइनेंस को घटा देंगे। और इधर अगर देखें तो इन्फ्लेशन ज्यादा है कम करना है तो एमएसएफ बढ़ाएंगे, रेपो रेट बढ़ाएंगे, बैंक रेट बढ़ाएंगे और रिवर्स रेपो रेट घटा देंगे। ये जो है ना ये दोनों बातें सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए कि आपका पेपर में क्वेश्चन बन गया, बताइए इन्फ्लेशन ज्यादा है कम करनी है, इन्फ्लेशन ज्यादा है कम करनी, बताइए रिवर्स रेपो रेट का क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, घट के बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा, तो उसका सिंपल आंसर है अगर महंगाई ज्यादा है और उसे कम करना है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा घटता है, क्योंकि जिस रेट पर बैंकों को कमाई हो रही है वो क्यों बढ़ाओगे, जिस रेट पर बैंकों को कमाई हो रही है वो क्यों बढ़ाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली बैंकों के पास पैसा नहीं छोड़ना है, छोड़ दिया तो महंगाई करेंगे। ठीक है, तो ये मानते हुए कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आगे जल्दी से बढ़ रहे हैं और समझते हैं सर एमएसएस क्या होता है। अब एमएसएस और ओएमओ ये दो बातें समझनी पड़ेंगी, एमएसएस और ओएमओ को पहले समझाता हूँ आपको मैं अपनी भाषा में और फिर चलते हैं कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है समझेंगे 2 मिनट के बाद, पहले मैं आपको बताता हूँ अपनी भाषा में, मतलब कि आसान भाषा, आप क्या आसान भाषा में देखिएगा सर, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ओएमओ, एक है ओएमओ और एक है एमएसएस। ओएमओ आपका लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल में आता है, ओएमओ लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल में आता है और एमएसएस आपका शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल में आता है, ओएमओ लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल में आता है और आपका एमएसएस शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल में आता है। एमएसएस नया कंसेप्ट है, 2011 में ही आया था, पहले कंसेप्ट नहीं लगता था। यहाँ पर जनरली आरबीआई और बैंक दो ही लोग होते हैं और वो आपस में ही मैनेज कर लेते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को। यहाँ पर क्या है, आरबीआई होता है और मार्केट में मार्केट होता है, और मार्केट मतलब क्या, वो सब लोग जो मार्केट का हिस्सा है, मार्केट मतलब क्या, वो सब लोग जो आपका हिस्सा है, यानी कि आप मैं गवर्नमेंट ये हम सब लोग क्या हैं, हम सब लोग हिस्सा हैं मार्केट का, बिल्कुल तो मिलाकर एक जगह एक टाइम पर सिर्फ आरबीआई और बैंक है वो है एमएसएस, एक में आरबीआई और मार्केट, तो सर एमएसएस क्या हो गया, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम, और ओएमओ क्या हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दोनों लगभग लगभग काम एक जैसे ही करते हैं, इनका जो वर्क का कल्चर है, इनका जो वर्किंग है, इनकी जो वर्किंग है वो लगभग लगभग सेम है, बस इनका टेन्योर का अंतर होता है, इनके टेन्योर का अंतर है, बाकी इनकी जो वर्किंग है वो लगभग लगभग सेम है। तो जरा समझते हैं ये काम कैसे करते हैं, फंडामेंटल वही है कि सर महंगाई ज्यादा है उसे कम करना है। अब जरा समझते हैं बहुत ध्यान से कि सर महंगाई ज्यादा है तो सर महंगाई ज्यादा होने के कारण क्या हो सकते हैं, सर महंगाई होने के कारण हो सकते हैं सप्लाई कम रह गई हो,
भाई बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, सप्लाई कम, तो ही महंगाई हो सकती है, हमने कल डिस्कस करा था। तो हम लोग कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। या फिर सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो क्या देखा जाता है कि सर डिमांड ज्यादा है, सर डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। अब सर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तब भी इन्फ्लेशन आ सकता है। उस सिचुएशन में जब महंगा आपका इंडिया का इन्फ्लेशन आ चुका है या आ रहा है, तो अब करना क्या है, लोगों के पास मनी ज्यादा होगा, लोगों के पास मनी की सप्लाई जो होगी ज्यादा होगी, उसे कंटेल कर दो। कैसे करेंगे? देखो जब आदमी के पास पैसा होता है, आदमी दो ही काम करता है, दो ही काम करता है, सोच के देखना, एक खर्चा और एक बचत। खर्चा कर जनरली आदमी पहले कर देता है, बचत तब करेगा जब उसे ये लगेगा कि सर इस बचत को करे कुछ एडवांटेज मिल रहा है। तो सर अगर आपके अगर सिचुएशन ऐसी है कि देश में इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन है देश में, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स यहाँ पर क्या करेगा, हमको सेल कर देगा। आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हमको सेल कर देगा अगर देश में इन्फ्लेशन है। वहीं अगर देश में रिसेशन है, वहीं अगर देश में रिसेशन है तो सर आपका आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज कर लेगा, आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज कर लेगा। सिंपल सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड को सेल क्यों करता है, क्योंकि हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, और पैसा आरबीआई के पास जाएगा तो पैसा मेरे पास तो बचा ही नहीं। अब बचा नहीं तो डिमांड कहाँ से करोगे, अब डिमांड नहीं करोगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? रिसेशन के टाइम पर क्या होता है कि सर गवर्नमेंट अपने बॉन्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड को हमको परचेज कर लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के बॉन्ड को, बेसिकली गवर्नमेंट का बॉन्ड आरबीआई हमसे परचेज कर लेगा, तो आरबीआई हमसे जब बॉन्ड ले लेगा तो हमको पैसा दे देगा, और हमको पैसा दे देगा तो ऑटोमेटिकली उस पैसे को हम खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो अब रिसेशन कम होगा और ग्रोथ और इन्फ्लेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सेल करना है आरबीआई को, और रिसेशन में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करना है। ये दोनों बातें एकदम पहले क्लियर होनी चाहिए हमको। तो जल्दी से आप देखते हैं अपने यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो हमने देखा सर एमएसएस 2004 में आया था, एक्सेस लिक्विडिटी को मतलब रिड्यूस करने के लिए है बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओएमओ पहले का कंसेप्ट है, ये भी वही कंसेप्ट है कि परचेज करना है आपका ऑफ सिक्योरिटी, इंजेक्ट मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम एंड स्टिमुलेट ग्रोथ वाइल सेल्स ऑफ सिक्योरिटी टू द अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट इन द इकोनॉमी। यानी कुल मिलाकर मैंने आपको बात तो समझाई, बात इतनी सी निकल कर आती है, अगर जल्दी से सबको एक निचोड़ निकाल लें तो निचोड़ ये निकलेगा, देखिएगा मेरे साथ बहुत ध्यान से, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा खत्म करके ही जाना है हमको भी। अब इससे हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो यहाँ पर आ गया सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया, इनको क्या करना है, बढ़ाना है। अगर इन्फ्लेशन देश में ज़्यादा है और हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो सर इनको बढ़ाना है। सर वहीं पर अगर हम बात करते हैं रीफाइनेंस की, अगर हम बात करते हैं रीफाइनेंस की तो सर रीफाइनेंस घटाना है, तो सर रीफाइनेंस घटाना है। और अब जरा बात करते हैं इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट है आपका जो आपका बैंक रेट है, और जो आपका यहाँ पर है किसको बोल देते हैं एमएसएफ रेट, ये सारे रेट आपके बढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये रेट घटेगा अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है उसे कम करना है। ये बात को ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा है उसे कम करना है, सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा, रीफाइनेंस घटेगा, रेपो रेट बैंक रेट एमएसएफ बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट घटेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका ये कह लीजिए आपका एमएसएस और ओएमओ की, अगर हम बात करते हैं एमएसएस और ओएमओ की, और देश में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आपका ये बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सेल करा जाएगा, और अगर उल्टा है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड को परचेज करा जाएगा, उल्टा है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करा जाएगा। ये पूरा कीवर्ड्स है, इस पूरे चैप्टर की समरी है, जो अब तक मेरे ख्याल से हमको बिल्कुल क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, आंसर मत देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, समझिएगा। रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज कंडक्टेड बाय आरबीआई। सर आरबीआई द्वारा ये जो मौद्रिक और रणनीति की समीक्षा है आपका, ये कितने महीने में करी जाती है, तो ये बाय मंथली है, आरबीआई के द्वारा बाय मंथली करी जाती है। तो समझना क्या है सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर्स की कमेटी होती है,
और सर ये हर 2 महीने बाद मिलती है, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स ये मिलती है। उसको उन्होंने कहा बाई मंथली बेसिस पे मिलती है और देखती है कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को घटाना है बढ़ाना है या क्या करना है। फिर से बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन्ड बाय बैंक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंक SLR को किसके ऊपर मेंटेन करते हैं, हमने पढ़ा था NDTL के ऊपर सर। तो ये नेट डिमांड टाइम डिपॉजिट है, इसी को आप टाइम लाइबिलिटी भी कह लीजिए। तो ये हो गया नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ये हो गया नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी जिसमें आपका इंटर बैंक ट्रांजेक्शन नहीं आते, जिसमें इंटर बैंक ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन कर रहा है विद अ व्यू टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट क्या करना चाहेगा, तो रेगुलेट यहाँ पर करेगा लिक्विडिटी। हमने पढ़ा था यहाँ पर सर, अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा भी है, ये अगर हम देखें जल्दी से आपका OMO, तो OMO में क्या लिखा हुआ है, OMO में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम में अमाउंट ऑफ मनी, बैंकिंग सिस्टम में अमाउंट ऑफ मनी की बात लिखी हुई है। यानी ये वही बात कह रहा है आपका, क्या बात कह रहा है, बात कहा जा रहा है लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी की बात हो रही है तो OMO क्यों होता है, लिक्विडिटी विद द बैंकिंग सिस्टम, लिक्विडिटी विद द बैंकिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ SLR। तो सर SLR में हमको पता है सर गोल्ड आ जाता है, SLR में क्या आता है, गोल्ड आता है, अपना SLR में ट्रेजरी बिल आ जाता है, SLR में अपना क्या जाता है, SLR में अपना गोल्ड है, ट्रेजरी बिल है, SLR में अपना कैश भी है, पर SLR में अपना क्या नहीं है, क्या नहीं है अपने SLR में, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं है। चलिए बोलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है व्हेन RBI वांट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, तो क्या करेगा RBI, जब कभी RBI को रिड्यूस करनी है तरलता, तो सर अभी तक अगर बढ़ाया कब रिड्यूस करनी है तो हमने पढ़ा है CRR को घटा देगा, SLR को भी घटा देगा, CRR को घटा देगा, SLR को भी घटा देगा, इनफैक्ट सर MSF को भी आपका CRR SLR दोनों को बढ़ा देगा। अगर आपका तरलता रिड्यूस करनी है तो SLR CRR को बढ़ा देगा, इनफैक्ट MSF वाला भी सही था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है 1 और 2 दोनों, तो हमने ऑटोमेटिकली क्या मार्क करा है, 1 मार्क करा है। तो ध्यान से देखें तो इसका पहला भी ठीक है, इसका दूसरा भी ठीक है, इसका तीसरा, एक सेकेंड, इसका तीसरा भी ठीक है हमारे रेस्पिरेंट्स, इसका तीसरा भी ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो गलत है वो है चौथा, तो चौथा गलत है, बाकी तो ऊपर के तीनों सही हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है अबव 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 में सर आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, MSF रेट बढ़ेगा, रेपो रेट भी बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ेगा वो है रिवर्स रेपो रेट, वो घटेगा। तो सर आज की क्लास में इतना ही, ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सर मैंने पूरी कोशिश करी कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लियर भी हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट रहा हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप फंस रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो तब मिलता हूँ मैं आपसे 25 तारीख को सुबह, आपका मैं मिलूंगा 25 मार्च को सुबह करंट अफेयर्स लाइव की क्लास में आपका यहाँ पर 7 बजे। तो सर थैंक यू, और सुबह मिलते हैं 25 तारीख को।